इस वीडियो में हम आईटीआई का फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयी स्किल्स के सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एक ही वीडियो में सभी होंगे। तो आपका अगर एग्ज़ाम्स है तो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो एम्प्लॉयी स्किल्स में फर्स्ट चैप्टर है आपका इंग्लिश लिटरेसी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो हम पूरा बुक को कवर करने वाले हैं, तो हम सभी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी से करेंगे। तो आप प्लीज़ लगे रहिएगा, ज़्यादा टाइम ना दीजिएगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका बायोडाटा कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और प्रिसाइज का बायोडाटा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अगर आपने इंटरव्यू का कॉल रिसीव कर दिया तो उसके आगे आपको क्या करना चाहिए। तो आंसर सिंपल है कि आपको इंटरव्यू देने की तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज सूटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, जिसमें एक छोटा सेंटेंस दिया गया है, स्लैस एनिमल डू यू लाइक। इसमें आंसर रहेगा विच एनिमल डू यू लाइक। क्वेश्चन नंबर फोर, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें आपको पंक्चुएशन बताना है कौन सा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिविन क्वेश्चन। अगर आपसे हाउ हैव यू बीन कोई व्यक्ति पूछता है तो आप इसका बिल्कुल अच्छे से जवाब में क्या दोगे। तो उसका सही आंसर है वेरी वेल एंड यू। सिक्स क्वेश्चन आपका रहेगा, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिविन क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में कोई व्यक्ति पूछता है व्हेन डिड यू एक्सीडेंट हैपन, आपका एक्सीडेंट कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे। आपका इसका सही आंसर रहेगा एट 10:30 लास्ट नाइट। अगर ऑप्शन ए देखा जाए, इन अ होटल, भाई ये होटल में एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, ऑन द टेबल चूतिया है का, भाई सी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। इसमें अपने को सही वर्ब लगानी है, वर्ब सबसे सही वर्ब क्या रहेगी, आई स्लैस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो इसका आंसर सही रहेगा डी, यानी कि आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, यानी मैंने म्यूजिक सीखा था जब मैं छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची हो क्या। क्वेश्चन नंबर एट, कैरिकुलम वीटा, यानी कि सी बी इज ऑल्सो नो एज कैरिकुलम वीटा। सी बी को किस रूप में भी जाना जाता है, यानी पूछ रहा है सी बी को दूसरा रूप क्या होता है। जाहिर सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिज्यूम चलते थे, उसके बाद सी बी चलना चालू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रिज्यूम। फिल इन द ब्लैंक विद कंपेरेटिव एडजेक्टिव। तो आपको इसमें सही कंपेरेटिव एडजेक्टिव चूज करके बताना है। योर पेंसिल इज ऑप्शन नंबर ए शार्प देन माइन। क्वेश्चन नंबर टेन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, विल गो, वी विल गो टू, जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, मुझे, यानी कि मैं चिड़ियाघर जाऊंगा ब्रेकफास्ट के बाद। क्वेश्चन नंबर बारह, इसमें द ट्रेन स्लैश थ्रॉट द टनल में सही वर्ड कौन सा रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज पासिंग, द ट्रेन इज पासिंग थ्रॉट द टनल। क्वेश्चन नंबर तेरह, इसमें स्लैश आर यू गोइंग, तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, हु आर यू गोइंग। ऑप्शन नंबर फोर्टीन, आई मेड दिस केक, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, माई सेल्फ, यानी कि मैंने यह केक मेरे द्वारा बनाया, मैंने यह केक अपने आप बनाया, यानी कि मेरे द्वारा बनाया। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि 15, इसे देखना, सी मेड दिस केक हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर सी सही रहेगा इसका, उसने यह केक अपने आप बनाया, यानी अगर, यानी कि मैंने बनाया तो माई सेल्फ, अगर उसने बनाया यानी लड़की है तो हर सेल्फ, लड़का है तो हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 16, सी हैज़ हर्ट, ऑप्शन बी सही रहेगा, हर सेल्फ, यानी उसने अपने आप अपने को हर्ट किया।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, माई हाउस इज स्लैश द थर्ड फ्लोर, यह स्लैश पर क्या आएगा? तो ऑप्शन सी सही आएगा, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, मेरा घर थर्ड तीसरे फ्लोर पर है। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें स्लैश इज द स्पीकर एट द फंक्शंस, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा, हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, लो लेवल लैंग्वेज आल्सो कोल्ड, यानी लो लेवल लैंग्वेज को और क्या कहा जाता है, किस भाषा में, किस भाषा को कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोनाउंसिएशन रेफर टू, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ द वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, सी वर्क्ड एज ए स्कूल टीचर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है अचानक प्रबल भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरजेक्शन। व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज अ टीचर, इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरवाइजर यू शुड यूज, जब आप शिक्षक एवं पर्यवेक्षण जैसे उच्च अधिकारियों की प्रति अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, गुड मॉर्निंग, विच इज अ साइलेंट वर्ड इन द वर्ड। आंसर शब्द में एक मुख अक्षर कौन सा है, यानी साइलेंट अक्षर कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, यानी कि डब्लू। विच वन इज डज ऑफ डिस्कशन इंस्टीट्यूट्स, कौन सा डज चर्चा शिष्टाचार का है? तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा, लिसन टू अदर, किसी और की बातों को सुनने का। कौन सा डज चर्चा शिष्टाचार का है? तो ऑप्शन इसका डी सही रहेगा, आर्ग्यूमेंट का, समझ लो बहस करने का। विच वन इज द कार्डिनल नंबर, तो इसमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो इसका आंसर ए सही रहेगा, यानी 10, जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है ये एक कार्डिनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच वन इज कार्डिनल नंबर, जैसा कि ऊपर वाला है उसी में से देखिए, क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर सही रहेगा। सेम क्वेश्चन दोबारा से है, विच वन इज द कार्डिनल नंबर, यानी कि इसका क्वेश्चन आंसर दोबारा से डी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज द कार्डिनल नंबर, दोबारा से वही पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें से कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज द एक्टिव वॉइस, इसमें से कौन सा सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस है? तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राम हैज पास द एग्जाम, तो इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन 34, विच वन इज अ पैसिव वॉइस, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, तो ये पैसिव वॉइस है, और जैसे कि अपन सेंटेंस को सीधा सीधा पढ़ते हैं वो एक्टिव होता है, और किसी के द्वारा कोई चीज़ को हो जाना होता है तो वो पैसिव होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35, विच वन इज नॉट कंजक्शन, सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जो कि है ऑन। उसके बाद क्वेश्चन आता है 36 यानी 36, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, डेवलप्स बट डम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज नॉट ए वोवेल, सो जैसा कि आप जानते हो ए आई ओ यू के अलावा बाकी सब नॉट ए वोवेल्स होते हैं, तो इसमें एफ है, जो कि सी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि है एफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस इटिक्वेट, निम्न में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो ऑप्शन ए सही है, अ शुड ड्रेस फॉर्मली, आपको
फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39, वर्ड डेट इज द पंक्चुएशन टू सेम एज अनदर वर्ड वट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, होमोफोन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक है वो ख़त्म होता है जिसका नाम था इंग्लिश लिटरेसी। सो इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉयटी स्किल्स का नया टॉपिक है आईटी लिटरेसी। तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, वन वाइट किसके द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्ट विट के द्वारा, नहीं आर्ट विट के बराबर होता है, जो कि कंप्यूटर में अगर आपने एमबी केबी जीबी टेराबाइट पेटाबाइट एक्साबाइट डेटाबाइट ब्रोटोबाइट जियोबाइट जोटाबाइट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज ये आप याद रखिए, इसी को पूछा जाता है बार बार, हालांकि मैंने देखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है। जाहिर सी बात है सभी को पता है सीपीयू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं यानी अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है, जैसा कि वायरस कहलाता है, ये ऑप्शन नंबर एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है, इसे कहते हैं एंटीवायरस। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है यानी कि एन इलीगल एक्टिविटीज कमिटीज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं साइबर क्राइम। अगर आप इंटरनेट पर किसी तरह की गलत गतिविधियां करते हैं तो वो साइबर क्राइम के नज़र में आएगी। कंप्यूटर नेटवर्क डेट स्पेंस द रीजनल नेशनल ऑफ द ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, WAN WAN। उसके बाद क्वेश्चन है 8, CPU कंसिस्ट ऑफ, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा जो कि है कंट्रोल यूनिट एंड ALU। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, CPU स्टैंड फॉर, CPU का मतलब क्या होता है। तो CPU का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड वी यूज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लेन, यानी कि आपको अगर कम डिस्टेंस के लिए इंटरनेट या नेटवर्क की ज़रूरत है तो आपको लेन की सहायता लेनी चाहिए जो कि वायर के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें है इन ईमेल वेयर विल यू एड ए रिसिप, क्या कहते हैं यार, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 11 में सीधा सा ये पूछा है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल प्राप्त कहाँ जोड़ें, यानी कि प्राप्त करने वाले ईमेल को कहाँ जोड़ें जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, CCC पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, इसमें है एक्सेल्स में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है, यानी जो एक्सेल अगर आपने MS ऑफिस चलाया है तो उसके अंदर कॉलम और रो को जोड़ते हैं तो इसका इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी कि सेल। MS Excel में वर्कशीट के संग्रह के रूप में जाना जाता है, इन MS Excel कलेक्शन ऑफ द वर्कशीट इज नो एज, तो उसके कलेक्ट करने को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, वर्कबुक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 में है दिया गया है, MS Excel में सेल में एक फॉर्मूला डालने के लिए हमें क्या ऑपरेट के साथ एंटर शुरू करना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, इक्वल का साइन लगा के फॉर्मूला लिखा जाता है। अगर MS Excel के अंदर आपको किसी रो या कॉलम में आपको फार्मूला लगाना है तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद फार्मूला लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 15, इन एमएस पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड, एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी .doc नहीं है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, पोर्ट्रेट, यानी कि जब आप किसी का प्रिंट देते हैं तो आपसे उसमें लैंडस्केप में पोर्ट्रेट
ऑप्शन में आ जाता है, जैसे लंबाई में चाहिए होता था पोर्ट्रेट बोलते हैं, और अगर चौड़ाई में चाहिए होता था पोर्ट्रेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है, जैसा कि मैंने ये बताया लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है प्रोग्राम डैश क्या कहते हैं, प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है जो कहलाता है, जैसा कि हमें पता है उसे कहते हैं वायरस। स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, .xls। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सपेंशन ऑफ लैंड इज लैंड का विस्तार है, आंसर इसका बी रहेगा, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क लैंड की फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का ऑप्शन नंबर बी सही है, रीड ओनली मेमोरी। और क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपसे पूछा है क्या पूछा है, हाँ, SMS भाषा में ASAP का क्या अर्थ है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, एज सून एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द कॉपी, कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कंट्रोल प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द कट कमांड, तो किसी भी चीज़ को कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका तो कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल, अगर सब कुछ सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस ए। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट कमांड, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस वैन वाली भी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द सेल एड्रेस फॉर द फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डी फोर। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडो, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, न्यू फोल्डर। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द FYISMS, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसमें FYI का फुल फॉर्म पूछा है, जिसका हिंदी जिसका मतलब है फॉर योर इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, वेयर ऑल रिलेटेड फाइल विल बी स्टोरेज, जितनी भी फाइल को हम सिस्टम में से डिलीट करते हैं वो कहाँ पर स्टोर होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी फाइल डिलीट नहीं होती, रिसाइकल बिन में स्टोर होती हैं, आप जब चाहो इन्हें रिकवर कर सकते हो। बड़ी ज्ञान की चीज़ बता दी मैंने। टेलीफोन लाइन को PC से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, मॉडर्न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, विच इज द शॉर्टकट की ऑफ द कॉपी कमांड, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो इसका ऑप्शन है बी सही है, कंट्रोल प्लस सी। उसके बाद विच वन इज द डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्कस पासवर्ड टू एनी वन, यानी इसने सिंपल सा पूछा है विच वन इज द डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनी वन करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए अपना पासवर्ड। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज द साइबर क्राइम, इन चारों में से साइबर क्राइम क्या है, मतलब इंटरनेट की दुनिया में जुर्म क्या है, तो ऑप्शन सी सही है, ऑनलाइन जुआ खेलना। लेकिन जितने भी क्रिकेटर MPL बेच रहे हैं, एक्टर बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं, ये जुआ नहीं आता, यानी ये साइबर क्राइम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो कि विंडो के साथ आता है, तो उसका ऑप्शन बी सही है, विंडो एक्सप्लोर। ऑप्शन नंबर 37, विच वन इज द सर्च इंजन, सर्च इंजन जिस पर हम सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, वो जैसे कि हम गूगल इसका सही आंसर है, गूगल हुआ, क्रोम हुआ, जैसे ऐसे तैसे जो भी। उसके बाद दोबारा से सेम क्वेश्चन पूछा है, सर्च इंजन कौन सा है, विच वन इज द सर्च इंजन, जैसे गूगल होता है इसके तरह एक और होता है जिसका नाम है याहू, तो इसका सही आंसर है याहू, ऑप्शन नंबर डी। विच वन इज द सोशल नेटवर्किंग स्किल्स साइट, तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो कि है फेसबुक,
सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज़ द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इज़ राइट, इंटरनेट एक्सप्लोर ये भी एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज इनपुट डिवाइस, आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस पता होनी चाहिए, आप देख लीजिएगा लेकिन मैं बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस है इन में से जॉयस्टिक, जॉयस्टिक एक हैंडल जैसा होता है जिससे हम गेम खेलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 42, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस कौन सी है। इनमें से ऑप्शन ए सही है, प्रिंटर, जो कि आउटपुट देता है जिसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, विच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है यानी कि प्रिंटर, ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी किसने पूछा सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मेक एडिक्टिव। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सो दिस सिनोनियम्स ऑफ वर्ड विद टाइप इन एमएस वर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा जो जिसका हिंदी अर्थ होता है कोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है जिसमें है यू विड्रो 500 रुपीज़ फ्रॉम द एटीएम मशीन गिवन आउट 5000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकल करेक्ट, यानी कि हिंदी में ये बोल रहा है आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन आपको 5000 रुपये देती है, निम्न में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा, आपको क्या करना चाहिए इसने पूछा है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है, शिकायत दर्ज करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, रख लो 5000 मिले तो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। पहला क्वेश्चन है कैजन का अर्थ क्या होता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर डी सही है, निरंतर सुधार करना, जो कि आप कंपनियों में अधिकतर देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुने, क्षमा करें मैं कहाँ गया भाई, सॉरी भाई, हाँ इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, इंटरप्शन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डेडिकेशन टू द पार्टिकुलर वर्क इन इस कॉल्ड, जिसका ऑप्शन बी सही है, कमिटमेंट। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 डेडिकेशन टू द पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, इसे ऑप्शन नंबर सी का सही रहता है, कमिटमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज, सो इसका सही आंसर है मेरे भाई लोगों डी शॉर्ट मैसेज सर्विस फॉर स्मार्ट गोल एज स्टैंड फॉर, इसका इसने पूछा है स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है जिसमें स्मार्ट के अंदर जो एस होता है उसका अर्थ होता है स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 8 हाव भाव नाखून काटना दिखाता है, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इनसिक्योरिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है हाव भाव तेज और सीधा चलना दिखाता है, किसके द्वारा दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास के द्वारा। हाव भाव यानी कि अगर आप ब्रिक्स इरेक्ट वर्क दिखाता है कि आप आत्मविश्वास हो तो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है लच्छों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब लच्छों का वर्गीकरण किया गया है अल्पकालिक और दीर्घकालिक। उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें लच्छों को वर्गीकरण किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, दीर्घकालिक अल्पकालिक लक्ष्य।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होता है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर, यानी कि आमने सामने बात करने पर बॉडी लैंग्वेज कितना परसेंट यूज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है जो कि है 55%। उसके बाद पूछा है आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, ऑप्शन बी सही है डीड कालिका लॉन्ग लास्टिंग, जो अंदर से प्रेरणा मिलती है अपने आप को वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। उसके नंबर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा है केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, सराहनीय सुनना अप्रिसिएटिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है मोटिवेशन इज द कैटेगरीज इनटू प्रेरणा श्रेणियों में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा आंतरिक और बाह्य। उसके बाद क्वेश्चन 17 में देखिए, 17 में बताया शोर गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानियों के अंतर्गत आता है, किस परेशानी के अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी इसका सही है पर्यावरण वादा के द्वारा। क्वेश्चन 18 में दिया गया है आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है, ऑप्शन ए इसका सही है वोवेल्स के द्वारा। उसके बाद है मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर सी सॉरी यार ऑप्शन इसका सही सी सही है आचार विचार को। क्वेश्चन 20 में पूछा गया भूमिका निभाने में क्या कमी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है विस्तृत स्थिति प्रदान नहीं करता। उसके बाद क्वेश्चन 21 यानी 21 में पूछा गया है समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी सही है समाधान लागू करें। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है घबराहट की कमी को हटा दो, मदद करेगा बिल्कुल मैंने भी किया है। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग का थ्रीपी कौन सा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 साक्षात्कार शिष्टाचार शिष्टाचार के लिए क्या करें कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है क्लेम अप्रोसिएशन। ओके क्वेश्चन 25 यानी कि 25 साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा शिष्टाचार में नहीं आता, ऑप्शन डी लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब, मतलब अपनी जॉब लेते समय अपनी एबिलिटीज को झूठ बताना शिष्टाचार नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है बोलने में कौन बाधा है, यानी बोलते समय कौन बाधा करता है, सॉरी तो इसका ऑप्शन सी सही है घबराहट, बोलते समय अगर आपको घबराहट होती है तो वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछा है कौन सा साक्षात्कार में शिष्टाचार है, तो विच वन इज द डज इज इंटरव्यू इटिक्वेट, तो इसका ऑप्शन सी सही है बी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने आप पर भरोसा रखें। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा एक संचार अच्छा है, मतलब कौन सा कम्युनिकेशन अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें पूछा है ईमेल शिष्टाचार कौन सा है, तो ईमेल करने का सही तरीका कौन सा है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए सही है कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा रखें छोटी नहीं करने का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है, तो ऑप्शन बी सही है प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 31 किसे खराब संचार माना जाता है, तो ऑप्शन ए सही है संदेश अस्पष्ट यानी मैसेज एम्बिगस, सॉरी मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 देखो कौन सा ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है, आंसर ए इसका सही रहेगा एंग्जायटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है इसमें बोला गया है कौन सा एक आर्टिकल नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही है इन, ये कोई आर्टिकल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है,
तो भाई अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसमें से आपके अगर आपके पास अनैतिक कार्य हैं, फालतू के काम हैं, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, उदासी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, उसमें दिया गया है आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो आंसर इसका सी सही है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए इसके बाद टॉपिक नंबर 14 है, इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उद्यमिता कौशल, यानी कि क्या कहते हैं बिजनेसमैन बनने का। तो क्वेश्चन नंबर पहला है जिसमें बोला है वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है, व्यापार बनना चाह रहा है तो उसे बोलते हैं उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेनर, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी अधिक संख्या में व्यक्ति, बड़े पैमाने के बिजनेस के अंदर अधिक संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुद का रोजगार के रूप में भी माना जाता है यानी स्वेत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया है मध्यम विनिर्माण यानी कि फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप डी इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 5 करोड़ से 10 करोड़ इस राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एस डब्ल्यू ओ टी विश्लेषण में एस का अर्थ क्या होता है, तो इसमें बी ऑप्शन में सही है, स्ट्रेंथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एस डब्ल्यू ओ टी विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी ताकत और अवसर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया कच्चे माल की खरीद मजदूरी और वेतन का भुगतान किया किराया बिजली टीसी में निवेश किया गया पैसा आता है, ऑप्शन नंबर ए से, कार्यशील पूंजी से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें है एमएसएमई का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, माइक्रो स्मार्ट एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे बड़े बिजनेसमैन बनना शायद यही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें पूछा है विचारों वस्तुओं और सेवाओं के शुल्क रूप कहलाते हैं, जिसमें आंसर इसका डी सही है, विज्ञापन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें पूछा गया है माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को के रूप में जाना जाता है, आंसर इसका ए सही है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जीडीपी का विस्तृत रूप क्या है, जीडीपी को क्या बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें पूछा है एसआईडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें ऑप्शन ए सही है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें पूछा है विदेशी बाजारों तक पहुँचे प्राप्त करने और संगठनों के हित को सीधता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही है, जॉइंट वेंचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें पूछा गया है विनिर्माण यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें पूछा गया है कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है, मैन्युफैक्चर रिटेलर कस्टमर
हाँ बिल्कुल, निर्माण निर्माता, खुदरता विक्रेता और ग्राहक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें पूछा गया है कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। सो ऑप्शन सी सही है यानी कि टैली। आज के दौर में सभी काम इसी के द्वारा हो रहे हैं। उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया एटीएम का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा दर्ज करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है जैसे पिन का यूज किया जाता है जब जाकर वह प्रमाणित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है एटीएम का विस्तृत नाम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन बी सही है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लो प्रोडक्टिविटी विल लोड लीड टू, कम उत्पादकता के कारण क्या है, मतलब कम उत्पादन हो रहा है तो उसका कारण क्या है। ऑप्शन बी सही होता है इसका राजनीतिक स्थिरता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया उत्पादन को अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सही है आउटपुट और इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या होती है। ऑप्शन बी सही है KYC। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द ऑटोमेटिक स्वचालन का क्या लाभ है। तो इसका लाभ ऑप्शन नंबर ए सही है कम संचालन समय। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है बेरोजगारी की दर क्या है। यदि श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं हैं तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा यानी कि 20%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है जिसमें है श्रम बाजार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका बी सही है GDP का। उसके बाद है जोखिम की श्रेणी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है। उसका बी ऑप्शन सही है प्रौद्योगिक जोखिम। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन इनमें से कौन सा दस्तावेज KYC मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकृत नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही रहेगा आय प्रमाण पत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है। ऑप्शन नंबर ए सही है वृद्धि चरम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर है 6 जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा की ABC का अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी सही है आपका जिसका नाम है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है 80 से ऊपर, 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हमारे कान के लिए खतरनाक बन जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें है भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है सिस्मोग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें पूछा गया सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है। ऑप्शन नंबर 6 हेलमेट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 है अग्निशामक पद्धति में स्टारवेशन है, मतलब अग्निशामक जो सिलेंडर होता है जिससे आग बुझाई जाती है उसमें स्टारवेशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका ईंधन का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है नौकरी की चोटों और बीमारी का पैसा समय और प्रयास खर्च करने इस नुकसान को प्रतिबंधित करने का सबसे व्यावसायिक तरीका क्या है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है जो कि है इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 ओजोन परत का बना होता है। तो ये ओजोन परत है ये 3 ऑक्सीजन यानी ऑप्शन नंबर 6 3 ऑक्सीजन परमाणु का बना होता है यानी कि दो ऑक्सीजन के एटम नीचे से मिलते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम ऊपर से मिलता है जब जाकर के उस जगह पर ओजोन लेयर बन जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें पूछा गया है नए उपयोगी उत्पादों में प्रत्यय सामग्रियों का पुनः संस्करण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है सामग्री का पुनः चक्रण।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें पूछा गया है सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है। मतलब सजीवों का लिविंग जो सॉरी जो सजीव हैं उनका पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R हैं, मतलब ट्रिपल आर किसे कहते हैं, आर आर आर। आंसर नंबर डी है रिड्यूस रिसाइकल एंड यूज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें पूछा है कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है, ऑप्शन इसका बी सही है फिजिकल हजार्ड्स। क्वेश्चन 12 जिसमें पूछा गया है आपको प्रेरित खतरा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ऑयली फ्लोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन एक एग्रोनॉमिक खतरा नहीं है, जिसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भावनात्मक गड़बड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन 3 R का भाग नहीं है, तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी रेजेनरेट। उसके बाद है टॉपिक नंबर 7 जिसका नाम है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, श्रम कल्याण कानून, यानी कि जो कि मजदूर होते हैं उनके लिए उनके सही के लिए जो कानून बनाए गए थे उसके बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर बोला गया है जिसमें है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक से अधिक हैं, तो यानी अगर किसी जगह पर 250 से ज़्यादा श्रमिक हैं तो वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार बोला गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा है फैक्ट्री एक्ट के तहत महिलाओं के काम करने के समय पर प्रतिबंध है, यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर बी जिसमें है सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद तक महिलाओं को काम नहीं कराया जा सकता कहीं भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें है कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होते, यानी कि श्रमिक को क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है श्रमिक को एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4 ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन ए सही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है IPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन में कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या रहता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 12%। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया गया है भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा महंगाई भत्ता। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है वेतन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमार आवश्यकताओं को प्रदान करती हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही है जिसका अर्थ है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। उसके बाद टॉपिक आखिरी है जो कि है 8वां जिसमें है क्वालिटी टूल्स यानी टूल की क्वालिटीज जो कि औजार यूज किए जाते हैं उनकी, तो इसमें पहला क्वेश्चन है फिश बोन चार्ट को किस रूप में भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कार्यों का प्रभाव आरेख। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है PDCA चक्र में पी का अर्थ क्या होता है, PDCA में पी का जो अर्थ होता है वो है प्लेन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है QMS का विस्तृत यानी फुल फॉर्म क्या होता है, QMS का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है PDCA का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्लान डेवलप कंट्रोल एक्ट।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन क्वालिटी टूल आर, ऑप्शन बिल्कुल सी सही है 7। व्हाट डज सैरी स्टैंड फ्रॉम, सैरी का क्या अर्थ होता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सैरी सैरी का होता है सुलझाना। अगला क्वेश्चन है गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम, सॉरी गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का क्या अर्थ है, क्या कार्य है, सॉरी। सो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वितरण के आकार को दर्शाता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है जो कि है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा गया व्हाट इज़ द नेम है यूज फॉर वर्ड वेस्ट, तो इसका आंसर ए सही है MUTA। वेस्ट फार्मूला इज करेक्ट इक्वल टू द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के लिए बढ़िया से बढ़िया फार्मूला कौन सा है, ऑप्शन ए सही है Q=P/Q। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बेसिक टूल नहीं है, तो इसमें डी बिल्कुल सही है टॉर्क रिच। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए ISO 9010 कोई प्रमाणित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवत्ता का लक्षण नहीं है, तो इसमें डी बिल्कुल सही है गैर अनुरूपकता की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका जिसमें लिखा हुआ है गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JS जुरान ने गुणवत्ता का कौन सा कथन कहा था, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। तो यहाँ तक आपके एम्प्लॉयटी स्किल्स के पहले साल के सारे टॉपिक पूरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, इनसे ज़्यादा कहीं से पूछा नहीं जाता। और अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाइए और वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। और नेक्स्ट आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए और PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मिल जाएगी।